या इस प्रशासन से क्या मांग करूंगा मैं, यही कहूंगा या कल मारना मुझे आज मार दो, मैं तो बोलूंगा। पैसे तुम लोग खा रहे हो, फर्नीचर आया 1,20,000 का, तुम लोगों ने 40,000-50,000 का फर्नीचर नहीं दिया, खा गए पैसे सारे। गवर्नर ने दिया 1,00,000 रुपया कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए, पंचायतों के पास पैसा आया ही नहीं सरपंचों के पास, ये निकाल के खा गए सारे, अपने आप कैसे खरीद लिया इन्होंने सामान, पंचायतों के फंड में आना चाहिए था ना पैसा। अभी इन्होंने हमारा प्लान बना 14FC का सप्लीमेंट्री, इन्होंने जबरदस्ती 2,50,000 की लाइटें रख दी बीच में, स्ट्रीट लाइटें, सोलर लाइटें कैसे रख दी, DC मैडम के पास कौन सी पावर है। जब प्लान हमारा बना, ग्राम सभा बैठ रही है वहां पे, ग्राम सभा बनाती है प्लान और अपनी मर्जी से काट देती है ये DC, कहती मैं चेयरमैन हूँ मैं काटूंगी। और उसमें अभी 10-10 लाइटें दे रहे हैं एक एक उसको पंचायत को, और उसका रेट जो है 15,000-16,000 है, ये 25,000 रुपये दे रही है, ये प्रशासन दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा DC दे रही है, प्रशासन दे रहा है 2,50,000 में, 10,000-11,000 कमीशन खाएंगे। मैंने बोला था कहना, जो एक मीटिंग थी हुई थी हमें DC ऑफिस में, मैं वहाँ बोला उसकी वजह से ये कर रही है सारा, मैं पैसे नहीं खाने दूंगा अपनी पंचायतों के, मैं अपने ब्लॉक के पैसे नहीं खाने दूंगा किसी को। लास्ट में आप राज्यपाल और मोदी सरकार से क्या मांग करोगे? क्या मांग करनी है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्या मांग करनी है, इनको इशारा ही होगा तो ऐसा कर रही है ना, शरेआम कर रही है, क्या मांग करनी है। मैं भी BJP में जा रहा हूँ, अगले हफ्ते चला जाऊंगा, जब ऐसा करना है आप लोगों ने मैं क्यों जाऊंगा, अनाउंस किया है मैंने, मेरा मंत्री मेरा लीडर गया है BJP में, मैं जाऊंगा, क्या करने जाना है तुम लोगों ने, हमें चलने नहीं देना, हमें मरवाना है, ये काम करने के लिए जाना है। हम तारीफ करते हैं मोदी जी की, ठीक है बड़े अच्छे आदमी हैं, काम हो रहे हैं देश के, काम हो रहे हैं, तो तुम्हारा प्रशासन तो सारा पूरा चोर है। मैं BDC चेयरमैन, मेरे घर में मीटिंग कर रहे हो, मुझे बुलाया ही नहीं, ये है ये अफसरशाही है, जब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी J&K में ये लोग लूटते रहेंगे, मैं सीधा बोल रहा हूँ। सर जो एडमिन पैसे निकले हैं दे सकता हूँ अभी, तुम बिना काम किए पैसे निकले हैं 17-18 में, जब पंचायतें नहीं थी, मेरे पास प्रूफ है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट रोज मैडम के पास आते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दो, क्यों दें हम, उसी की वजह से हो रहा है सारा ये, 9,00,000 का काम 10,000 का नहीं हुआ उसका, बोल रहे हो 9,00,000 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट। चेयरमैन जगेश्वर सिंह विजयपुर, मेरा मुद्दा ये है कि ब्लॉक दिवस मेरे ब्लॉक में रखा, पंचायत में रखा गया है, चन्नी पंचायत में, और मेरे घर से हार्डली 10 मीटर दूर पे है ये पंचायत घर है, मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया प्रशासन ने। मोदी जी बोलते हैं कि पूरे जो अधिकार हैं पंचायतों को दिए गए हैं, मैं चेयरमैन हूँ BDC विजयपुर का, चेयरमैन हूँ मैं, प्रोटोकॉल मुझे DC का दिया हुआ है, मेरे घर के पास DC SSP SHO पूरे प्रशासन के लोग आए हुए हैं, रेवन्यू के जो भी हैं सारे आए हुए हैं, मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। ये कौन सा प्रशासन है, कौन सा राज है, ये कौन सा राज ये बता रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हमने पंचायतों को पूरे अधिकार दे दिए, कौन से पंचायतों को अधिकार दिए उन्होंने मुझे बताएं ना। ये मेरे घर के बाहर सामने है 10 मीटर पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, सुबह मुझे कोई बुलाने आएगा, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, मुझे कोई सही नहीं किया। आपको क्या लग रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल प्रशासन ने पूरा मतलब धांधली डाली हुई है, मुझे पता है ये जो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं 20 साल से सरपंच हूँ, मैं चेयरमैन बना हूँ अभी 2019 में, ठीक है, मुझे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा प्रशासन है। मैं BDC चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट आप कर रहे हो, ब्लॉक दिवस मना रहे हो, ब्लॉक का चेयरमैन ही नहीं। सर एक बात पता चली है कि ऑन टाइम से ADC साहब से आपकी कुछ बात हुई है, वो बात का थोड़ा जिक्र करेंगे आप? मेरे पास अभी सुबह 11:30-12 बजे के आसपास ACD घर आए, क्या आप आ जाओ जी, क्यों मैं क्या हूँ, क्या समझते हो मुझे, मैं आ जाऊँ 2 मिनट में, मैं बैठा हूँ आप आ जाओ, ये कोई बात नहीं है। प्रशासन को पता होना चाहिए कि BDC चेयरमैन की पावर क्या है, जब मुझे प्रोटोकॉल DC का दिया हुआ है, DC इधर आई हुई है, SSP आई हुआ है, तो BDC चेयरमैन नहीं आएगा, उसको बुलाओगे नहीं आप? सर जहाँ तक मीटिंग का सवाल है, बहुत से पेंचेस और सरपंच उन्हें बाइकआउट किया जहाँ पे, और जो मीटिंग है लोग भी वहाँ पर बहुत से कम आए हैं, तो वो मीटिंग किन लोगों को लेके कर रहे हैं? देखो सारे प्रशासन के लोग हैं, अंदर कितने बंदे हैं, 10 बंदे नहीं है गाँव के,
जे लोग आए, सरपंच अंदर बैठी है, पंच अंदर बैठे हैं, जे लोग जा रहे हैं एक बंदे की पर्सनल प्रॉपर्टी देखने, जिस बंदे ने कब्जा करना चाहा, मैंने कोर्ट केस भी किया है उस पर, वो चाहता है मैं तालाब बंद करके अपनी प्रॉपर्टी बनाऊँ, उस बंदे के साथ जा रहे हैं वहाँ पे, और सरपंच मैडम पंच जितने भी बैठे हैं पीआरआई मेंबर उनको लेके नहीं जा रहे, कौन सा प्रशासन है ये? अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करेंगे जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारे डिसॉल्व करो, सब कुछ खत्म करो, पंचायतें वजूद है सब कुछ खत्म करो, सब कुछ प्रशासन नहीं चलाना है तो हमारा क्या काम है? सेंटर मिनिस्टर आया था, फौंखा में इनॉग्रेशन हुई, मेरा नाम था नेम प्लेट में, पंचायत अगर हो रहा है ब्लॉक में कुछ भी हो रहा है तो मेरा नाम होना चाहिए नेम प्लेट पे, मेरा नाम स्पेशली काटा गया क्यों? और मैं जाता हूँ डीसी आगे खड़ी होती है, मैं नमस्ते करता हूँ, मेरे नमस्ते का जवाब नहीं देती, क्यों? तू ऊपर हो गई हमसे, हमें यार इग्नोर करोगे क्या? मेरे घर में आई है तू, मेरे घर गेट ये है तो ये 10 मीटर पे मेरा वो है पंचायत घर, मुझे बुलाएगी नहीं? जाओ तुम लोग ही करो जो करना है, जानबूझ के हो रहा है, माहौल पूरा खराब हो रहा है, पूरा खराब कर रहे हैं माहौल, जी हम भी तो गए हैं, मेरे जो अल्लाह मेरे लीडर है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तुम लोग हमें पाकिस्तानी समझते हो? 4 बार इलेक्शन जीता हूँ मैं, एक बार नहीं चार बार इलेक्शन जीता हूँ, हम पहले भी लोगों के साथ काम किया हमने, ये थोड़ी हमने काम नहीं किया, ये कौन सा प्रशासन है? ये लीडर, ये तो लीडर ही कर रहे हैं, एमपी भी यही है, डीसी एमएलए भी यही है, सब कुछ यही करेगी, बाकी पूरी फोर्स लेके आए हैं यहाँ पे, पूरे एसएसपी एडीसी जे वो क्या मरवाने के लिए लाए हो हमें? सर जहाँ पे मीटिंग रखी गई वो एक बहुत छोटा, फोन करते हो 2 मिनट में मीटिंग है, ब्लॉक दिवस मना रहे हो एक सरपंच पंचायत में, ओपन करते आप अरेंजमेंट करते सारा, हम टेंट लगवाते सब कुछ करते, कुर्सियां लगाते सब कुछ करते, हमें बताते तो सही, बीडी ब्लॉक दिवस मना रहे हो तो बीडीसी चेयरमैन को पता ही नहीं है क्या करना है, और प्रशासन जो भी है मुझे मरवाने के चक्कर में, मेरी हत्या करवाने के चक्कर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मुझे लग नहीं रहा यार, मेरे घर के बाहर हो रही है मीटिंग, सारी फोर्स लगाई हुई है, मैं वहां जा नहीं सकता, मुझे बुलाया ही नहीं तो मुझे लगेगा नहीं? बात हो रहा है, इससे पहले भी कई बार जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें आपका नाम नहीं आता और उसमें आपको बुलाया भी नहीं जाता है, तो क्या ये सारा काफी लंबे से चला है, किसी इशारे पे चल रहा है? किसी के इशारे पे चल रहा है सर, मुझे 8 दिन अंदर रखवाया, मुझे केस तो बताओ, मैं बड़ी ब्राह्मणा बैठा था, बच्चे लड़ते हैं कोई क्रिकेट खेलने पे, मुझे 8 दिन अंदर रखते हो 307 के केस में, ये क्या है बताओ मुझे? मैं वहाँ मेरी लोकेशन देखो कि मैं कहाँ था वहाँ उस टाइम, मुझे 8 दिन जेल में रखा इन्होंने 307 का केस डाल के, बताओ उसके बंदे को कितना काटा था मैंने, कितनी गोलियां मारी थी, ये बताओ मुझे, ये प्रशासन ही सारा कुछ कर रहा है ना, क्यों रखा मुझे 8 दिन अंदर? सर लास्ट में स्टेज इंटरव्यू, कल मराना है आज मरा दो, खड़ा हूँ मैं इधर, मरा दो मुझे मराने के चक्कर, एसपी लाई है उसको लाई है, डीएसपी लाया है, एसएचओ आया है, इधर पूरा माहौल बनाया है कि बहन जो पता नहीं कहाँ जहाँ कौन सा जरूरी पंचायत के सामने मेरी क्या इज्जत है कि मुझे पता ही नहीं है, मैं ऐसे रोने वाली हो गई कि मुझे पता ही नहीं है मैडम गए कहाँ हैं और क्या करने गए हैं और क्यों गए हैं, क्योंकि मैं सरपंच हूँ मुझे पता ही नहीं है। सबसे बड़ी एक बात है कि अभी भी पंचायत घर में आपके पंचायत घर में प्रोग्राम चल रहा है, हाँ जी, और आप जहाँ पे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, हाँ जी, इसके पीछे क्या आपने उस प्रोग्राम का बायकॉट किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट आए हुए हैं, 21 डिपार्टमेंट आए हुए हैं, और सरपंच मैडम को कोई पूछ ही नहीं, मतलब पूछने का क्या, उन्होंने क्या मुझे करना, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ से चले गए, डीसी मैडम आए उन्होंने जैसे मुझे बताया था कि हम जहाँ पंचायत घर में आएंगे, और 4 बारी कंफर्मेशन हुई है इस बात की कि वो पंचायत घर में आए हैं, मैं हम तो वहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं, चलो लेट की तो कोई बात ही नहीं है, पर वो यहाँ से आके, और मसला क्या है, मैं गांव की सरपंच हूँ, मुझे नहीं पता कि मसला क्या है, कहाँ पे गए, कौन सा तालाब क्या है क्या नहीं है, तो मुझे तो कम से कम पता होना चाहिए ना, ये क्या मतलब, ये मैंने लोगों से, मुझे गांव के लोगों से पता चला कोई तालाब पे गए हैं, कोई देश के प्रधानमंत्री द्वारा देते हैं कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाएगा, हाँ जी, तो ये मैं सरपंचों की अनदेखी की जाएगी, हाँ जी, तो इसके तो इसको लेकर क्या करना है आपको? इसको लेकर मुझे यही कहना है कि अगर सरपंच के साथ ऐसा, मतलब उनको साइड लाइन करके, सरपंच को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है इस मीटिंग से बिल्कुल साइड, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मुझे सूत्रों से यही पता चला है, वो भी यही पता चला है कि वो जो जहाँ पे दिखाने लेके गए थे वहाँ पे एक तालाब था वहाँ पे एक छोटा सा तालाब था, उसको भर के फिलिंग करके, क्योंकि जो पंच लेके गए हैं उनका घर उस तालाब के किनारे था,
16-17 साल उन्होंने धीरे 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 करके इस तालाब को भर के तो यहाँ पे ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मैं ग्राउंड बनाऊंगा, मैं जो सरपंच हूँ 2 साल के लिए हो रूँ, क्योंकि मेरा 1 दिसंबर को मेरे 3 साल हो जाएंगे, मैं तो यहाँ चली जाऊँगी यहाँ से। डीसी मैडम भी यहाँ पे, अब क्या पता कितनी देर है या नहीं है, तो मैं भी चली जाऊँगी जहाँ से जब, और कल को अगर कोई मेरे ऊपर केस करता है कि मैडम ने साथ मिलके देखो ये वो किया, तो मैं कैसे वो करूँगी, आप खुद ही बताओ। मेरी अनदेखी की गई, मुझे कम से कम पूछो सही कि भाई आपने क्यों बाइकाट किया है, क्यों नहीं आए हो आप। वो सारा ये सारा एक जो मेरा पेंच है जो वार्ड नंबर 3 का उपजीत सिंह, ये सारी उनकी वो की हुई है कि देखो मैडम जो मैं इस पंचायत की जो हूँ हेड हूँ सरपंच हूँ मैं, तो मैडम एक बारी बोलते कि नहीं, जब मुझे किसी से कहलवाते ही बता ही देते, जो हमारे वीडियो सर हैं जो कोई भी SDM सर हैं बता देते कि नहीं हमने वहाँ पे जाना है, कोई मसला है, तो मैं मुझे जाने में क्या ऐतराज़ है, मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। 100% सच है कि उनको भी नहीं पता है कि आज यहाँ पे इतने बड़े, मैं खुद सुबह जब जाके मैंने इतने ज़्यादा तादाद में पूरे लाइन डिपार्टमेंट देखा, जो हमारे सेक्टोरियल मदर डिपार्टमेंट हैं जो हमारे, तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट जो मैंने मैडम, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम होगा ये तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसके लिए हमें भी 100 तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने रात को अपनी जो मैडम है उनको फ़ोन किया, फिर इनको फ़ोन किया, तो भाई हमारे यहाँ वो DC मैडम आ रहे हैं, तो आप भी आके यहाँ पे। अब आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर में मैं मैडम से मेरी यही रिक्वेस्ट कि देखिए अगर देखो जो करना है DC तो डिस्ट्रिक्ट की राजा होती हैं, अगर उन्होंने जो भी करना है पर कम से कम सरपंच को तो पता होना चाहिए, मैं सरपंच हूँ या मैं इस घर की, मैं मालिक हूँ इस घर की, जैसे घर की मालकिन होती है तो मैं भी पंचायत की मालूम, कि मुझे पता ही नहीं है पंचायत में क्या हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा, अगर मुझे ही साइड लाइन कर दिया जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा। आप बताएं मेरी कोई एक शिकायत बताएं, तो मुझे साइड लाइन करके मुझे बिल्कुल ही अलग करके मुझे बताया ही नहीं गया। मुझे इतना अफसोस हुआ वहाँ पर खड़े खड़े कि मैडम वहाँ पे चले गई हूँ और मैं वहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ कि मैडम आए, मैंने बुके लेके गई थी मैं घर से, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैडम वहाँ पे चले गई हैं। पूरे 11 बजे गई थी, 11 बजे से सीनियर ऑफिसर्स आके लोगों से मिलते हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको ऑन स्पॉट रिड्यूसल की कोशिश करते हैं। तो सांबा ज़िला में 3 जगहों पर ये ब्लॉक दिवस किए जाते हैं। यहाँ पे जो आज सुचैनी में ब्लॉक दिवस किया गया, इसमें मैं और SSP साहब हम दोनों ने ही अटेंड किया है। हमने इसमें 2 खास बातें इस बार ऐड की हैं ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है ब्लॉक दिवस की ये और स्ट्रेंथन हो जाए। एक तो हमने इसमें जो अभी आपको मालूम होगा कि सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन किया गया है, तो सारा जो डाटा है रिकॉर्ड्स का वो ऑनलाइन अवेलेबल है पोर्टल पर, जिसको हम अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के नाम से जानते हैं। तो हमने आज यहाँ पे ये LED की सुविधा यहाँ पे देके तो यहाँ पे लोगों को ये डेमोंस्ट्रेट किया कैसे वो अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे कुछ लोगों के खसरा नंबर्स उनसे पूछ के तो उनको दिखाया गया, उनके रिकॉर्ड यहाँ पे आज हमने उनको दिखाए हैं। तो ये एक पहल आज हमने आज से ही शुरू की है। वैसे सरकार की तरफ से डायरेक्शन है कि इसको पूरा लोगों में बताया जाए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की जाए, इसका एक कैलेंडर भी इशू हुआ है और उसमें हम हर जगह ये जो सुविधा है ये उपलब्ध करवाएंगे लोगों को। लोगों को ये बताएंगे कि वो खुद से भी अपने मोबाइल पे या अपनी उनके पास अगर कंप्यूटर है उस पर वो देख सकते हैं, ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। दूसरा हमने जो खास बात आज की है उसमें हमने ये किया है कि जैसे हमारे पास दफ्तर में जो पब्लिक हियरिंग में केसेस आते हैं उन केसेस का हमने अपने पास एक रिकॉर्ड रखा होता है, लेकिन कई बार उसमें उनका रिड्रेसल क्या हुआ हमें बाद में फॉलो अप नहीं हो पाता है। तो हमने इस बार कुछ केसेस को यहाँ पे ही बुला लिया फ़ोन करके, उन जिनकी ग्रीवेंसेस थी और यहाँ सारे अफसर मौजूद थे, तो ऑन स्पॉट हमने उनका रिड्रेसल किया। तो इस तरह से हमारी कोशिश ये रहेगी कि ब्लॉक दिवस की जो एक प्रथा बन गई है, एक जो इंस्टीट्यूशन बन गया है, इसको हम यूज़ करें और सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को बताएं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके डोर स्टेप पे ही उनका समाधान भी हम देने की कोशिश करें। मैम यहाँ के जो एक स्थानीय सरपंच हैं, BDC चेयरमैन हैं, उनका एक होप है कि उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बुलाया नहीं जाता है कहीं भी, अगर मीटिंग हो उनकी नेम प्लेट से नाम हटाया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई उन्होंने ना तो मेरे साथ बात की है ना ही मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आई है,
बाकी वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका हम बहुत इज्जत करते हैं। और मैं तो पर्सनली हर एक जो बीडीसी चेयरमैन हैं या बीडीसी मेंबर्स हैं उनके साथ तो मैं खुद मेरी बात होती रहती है, तो मैं अवेलेबल रहती हूँ। हम लोग तो उनकी साझेदारी से ही सारे काम कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई किसी भी उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता भी की है इसको लेकर, मुझे अभी तक मालूम नहीं है। उस प्रेस वार्ता में बहुत से पेंचेस और सरपंच और चेयरमैन भी शामिल थे कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, कोई तो ये ब्लॉक दिवस था, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं अभी कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक दिवस में कितने लोग आए हैं, और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे हमने कितने सारे लोगों को जो अपनी ज़मीन अपनी निगरानी का जो पोर्टल है वो हमने दिखाया। आपने ये भी देखा कि हमने बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं थी ऑन स्पॉट हमने उनका रिड्रेसल किया। तो अगर वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं या नहीं आ पाए हैं उसमें मैं ज़रूर पता करूँगी कि ऐसी क्या वजह हो गई कि वो यहाँ पे नहीं आए। बल्कि यहाँ आते ही पहुँचते ही मैंने पहले सरपंच के लिए पूछा, बीडीसी चेयरमैन के लिए पूछा, तो ज़रूर उनको ये मैसेज गया होगा वो क्यों नहीं आ पाए। मैं उनसे बात करूँगी, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हमारे लिए सब लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और उनकी जो भी दिक्कतें होंगी मैं उनसे पर्सनली बात करके तो उनको एड्रेस करेंगे। मैम, अगला क्वेश्चन मेरा रोड पे हवाले जाते हैं प्रमंडल, लेकिन मैम बहुत सी अप्रोच की जाती है एक्सीडेंट चीफ तक उनके देखने गई थी मैंने, यहाँ पे कुछ स्पॉट्स देखे हैं आने से पहले, वही देखे हैं और उन पे बहुत डिटेल डिस्कशन यहाँ पे हुई है। और ये जो आपने पर्टिकुलरली रोड बोला है उसके लिए मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से फ़ोन पे भी बात की, और वो अपने चीफ इंजीनियर ऑफिस में चेक करेंगे कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो सकती है, और इनकी फंडिंग हम करवाने की कोशिश करेंगे। ये वाला रोड जो है, ये वाला स्ट्रेच है, ये अभी किसी प्लान में नहीं है, बट हम इसको इंक्लूड करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरत है उस जगह पर, मैंने खुद देखा है, और उसको प्रायोरिटी पर हम किसी न किसी प्लान में डलवा के उसकी फंडिंग करवा के वो काम करवाएंगे। थैंक यू।